हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप सबको मालूम है, मेरे को पता नहीं कैसे स्टार्ट करूं, बट डर लग रहा है, हिंदी में बात करूंगा मैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आज फादर्स डे, मैं हॉस्टल, हम लोग रियली ब्लेस्ड है, इतना अच्छा डैड दिया हम लोग को, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड आई थैंक जीसस फॉर दैट। हर एक चीज़ का ख्याल रखे हम लोग का, हर एक सही चीज़ सिखाया, हमें ट्रस्ट किया है, उनको फ्रीडम दिया है, एंड रियली थैंक दैट और थैंक गॉड फॉर दैट। बहुत टाइम से मुझे बोलना था बट इतना घट्स नहीं था, अब मैं कैसे भी करके उठ के आया, मतलब बोलूँगा मैं डैडी के लिए, बोलूँगा मैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं 16 साल का था, तब मुझे बाइक का ये आया था, क्रेज़ आया था, तो मैं बोला डैडी मेरे को बाइक चाहिए, डैडी मेरे को बाइक चाहिए। डैडी मेरे को तभी बोला कि तू 18 साल का हो जा, आई विल गेट यू, मैं तेरे को दूंगा। तो मैं छोटा था तो बच्चे लोग के माइंड में सेट हो जाता है, हाँ ठीक है डैडी मेरे को देगा 18 साल के बाद बाइक। तो 18 हुआ नेक्स्ट ईयर, तो थोड़ा जिद किया, ज़्यादा जिद नहीं किया मैं डैडी को, थोड़ा सा जिद किया, डैडी बाइक चाहिए करके। डैडी बोला बेटा एक महीना रुक, आई विल गेट यू। बोला डैडी प्लीज़ जल्दी। तो डैडी ने एक महीने बाद ही दिलाया, अब मैं बहुत खुश था। और उसी एक हफ्ते बाद मैं डैडी को, बहुत जन ने बोले कि इतने छोटे उम्र में क्यों बाइक दिलाया, बिगड़ जाएगा, पढ़ाई में खर्चा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। वो सब देख के मुझे भी बहुत गिल्टी हुआ, मैं गिल्ट में था कि मैं क्यों बोला बाइक के लिए, मैं रुक सकता था चाहिए तो। बट मैं डैड को, वो गिल्ट मेरे को खा रहा था अंदर, तो मैं डैड को पूछा, हम लोग इसी फैमिली में बैठे थे सब लोग, डैडी को मैं पूछा डैडी तूने मेरे को क्यों दिलाया। डैडी बोला बेटा जब मैं नाइट करके आता था तेरे पास चाहिए था, तेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि विदाउट मेरे को बोले तू मेरा बाइक खचा भी लेके तो घूम सकता था, तूने वो नहीं किया, मतलब तू भरोसा रखा मेरे पे। और मैं, और एक्चुअली मेरे फ्रेंड लोग मुझे बोलते थे फ़ोन करके, अरे चल ना बाइक का चाबी ले अपन बैंड्रा घूम के आते, बट मेरा कभी दिल नहीं किया ऐसा करने का, क्योंकि मेरे को डैडी के पीछे पीठ पीछे नहीं करना था मुझे, तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जो डैडी ने मुझ पर ट्रस्ट किया, थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू डैड। और हर एक चीज़ सिखाया हम लोग को बचपन से, फॉरगिवनेस सिखाया बहुत पहले से सिखाया है हम लोग को, फैमिली कुछ भी होता है तो मैं उस टाइम हम लोग जल्दी फॉरगिव करते, बट हम लोग को डर लगता है सामने वाले से बात करने की, वो लोग का रिएक्शन क्या आएगा, सिर्फ ये चीज़ का डर हम लोग को पीछे रखा है। बट डैडी ने बहुत पहले से सिखाया हम लोग को फॉरगिवनेस और एवरीथिंग, हर एक चीज़ का ख्याल रखा है। अभी भी मुझे याद है 10th में मेरा क्लासेस रहता था संडे को, तो डैडी क्लासेस में झगड़ा करके आते थे, बोलते थे नहीं संडे मेरा बेटा चर्च में चाहिए, आप लोग संडे क्लासेस मत रखो, क्योंकि डैडी का एक फ्रेंड है डेविड मामा करके, वो क्लासेस लेता है, उन्होंने उनको बोला कि हम लोग संडे से भी इसके लिए क्लास रखते हैं पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि हम लोग पढ़ाई करा रहे। तो मतलब डैडी ने ट्रस्ट किया हम लोग को, इतना आगे किया, और चर्च के काम के लिए भी उनका जो बोलते ना ये मोटिवेटर्स, मेरे को तो बहुत मोटिवेट करते, नाइट करके आके ई गोज टू बैंक पैसा डाल के फिर नाइट जाते, लाइक इतना करते वो चर्च के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग को भी चर्च में आगे रखे, और आप सभी को धन्यवाद कि विजय अन्ना को भी रियली वेरी थैंक्स, मेरे को मिक्सर सिखाया एज वेल एज किरण अंकल को हम लोग को सिंगिंग एंड म्यूजिक सिखाया। मैं चर्च को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, संघ पैदा और पूरा संघ हमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ दिया है आगे बढ़ने के लिए, एज वेल एज पास्टर को भी, एज वेल एज जीजस को भी, लाइक ही हैज़ रियली मोटिवेट अस, यूथ को आगे बढ़ाया है हर एक चीज़ में, हम लोग आगे देंगे उसके लिए भी थैंक यू। और एक छोटा सा है, जब भी मेरे लाइफ में एक टाइम फेलियर आया, एक टाइम नहीं बहुत बार आया था फेलियर, तो मुझे ऐसा लगा कि ख़त्म, लाइफ इज़ एंड नाउ, कुछ नहीं कर सकते, बट जीजस ने हेल्प किया मुझे, उससे बाहर आने दिया, एज वेल एज माई डैड वॉज द ओनली वन जो मेरे को खड़ा किया, जो मेरे को फेलियर से बाहर आने हेल्प किया है, ही इज द ओनली वन जो हाथ पकड़ा मेरे फेलियर आने के बाद। बहुत जन पेरेंट्स लोग बच्चे लोग को नहीं पसंद करते, बट मेरे कंधे पे हाथ रख के ही टोल्ड मी, तू फेल हो या पास हो, विल स्टिल लव यू एंड यू, मतलब करते रहे, तू रुक मत, तू ट्राई कर, यू टू ट्राई योर बेस्ट एंड देन गेट आउट। अभी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ डैडी, और ना पता नहीं फेलियर से बाहर में नहीं आ पाता था शायद, ही वॉज द ओनली वन हु वॉज विथ मी एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट, एज वेल एज आई लव यू डैडी, आई विल ऑलवेज बी विथ यू, जब तक मेरा साथ है मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच डैड, थैंक यू।